दोस्तों जरा सोचिए, धरती पर एलियंस घुसकर ह्यूमंस को कंट्रोल करने लग जाए। एलियंस ही गवर्नमेंट हो और ह्यूमंस उनके गुलाम। ह्यूमंस के अंदर एक ऐसा चिप लगाया हो जिससे एलियंस उन्हें ट्रैक करते हो। पुलिस हो या आर्मी, सभी एलियंस के ऑर्डर को फॉलो करते हो। आज की मूवी कैप्टिव स्टेट में हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलियंस शिकागो शहर पर कब्जा करने लगे हैं। इसलिए जॉन, जो कि एक डिटेक्टिव है, अपनी फैमिली को लेकर शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह और ढेर सारे लोग भी शहर से बाहर जाना चाहते हैं। पुलिस जॉन और उसकी फैमिली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं और एक टनल पर जाकर उनकी कार बंद हो जाती है। उनके कार के सामने एलियंस आ जाते हैं जो नहीं चाहते कि शहर से कोई बाहर जाए। जॉन और उसकी वाइफ घबरा जाते हैं। एलियन एक शॉट में दोनों को धुआं बनाकर गायब कर देता है और कार के ऊपर आता है। कार के अंदर जॉन के दो बेटे गैब्रियल और रेफे भी थे, लेकिन एलियन उन्हें नहीं मारते और छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मूवी कुछ साल आगे जाती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि इंसान और एलियंस के बीच जो जंग हो रही है उसे एलियंस ने जीत लिया है, जिसके बाद इंसानों को एलियंस की गुलामी करनी पड़ी और अब एलियंस ही गवर्नमेंट थी जो हर चीज को कंट्रोल कर रही थी। शिकागो शहर के चारों तरफ दीवार लगा दी गई थी जिससे सिविलियन शहर से बाहर न जा सके। एलियंस ने हर एक इंसान का गर्दन पर एक चिप लगा रखी थी जिससे एलियंस को इंसानों की सारी डिटेल्स मिलती थी कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एलियंस ह्यूमन से अंडरग्राउंड जगह बनवाते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड ही जिंदा रह सकते हैं। इस जगह को क्लोज्ड जोन्स कहा जाता था और यहाँ पर जाने के लिए कुछ ही लोगों को परमिशन है जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स है। अमीर लोगों की लाइफ में ज्यादा चेंजेस नहीं आई, लेकिन गरीब लोगों को ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। एलियंस को खत्म करने के लिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे जिन्हें एलियंस के साथ मिलकर पुलिस पकड़ कर नजर रखती थी, और अगर पुलिस से कोई गलती होती तो उन्हें एलियंस को जवाब देना पड़ता था। जैसा कि हमने कहा, अब एलियंस ही गवर्नमेंट थी। अब हम शिकागो के हेडक्वार्टर्स में विलियम को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव है। वो कैमरास के थ्रू गैब्रियल और बाकी सभी लोगों पर नजर रखे हुए है। गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। वो एलियंस को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन इस शहर से बाहर निकलकर आजाद होकर रहना चाहता है। वो बाहर जाकर अपने दोस्त से मिलता है जो उसे कहता है कि बोट्स रेडी है और आज उनके पास बाहर निकलने का मौका है। ऊपर कुछ ड्रोन उड़कर हर समय गैब्रियल पर नजर रखते हैं। गलियों में ढेर सारे लोगों के पोस्टर्स लगे थे और साथ ही गैब्रियल के भाई रेफी की पेंटिंग भी बनी थी जो कि अब मर चुका है। ये सब वो लोग थे जिन्होंने एलियंस को मारने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। लोगों की नजरों में ये सब हीरोज हैं। शहर के बीच एक स्पेसशिप था और शहर के नीचे सभी एलियंस। विलियम न्यूज़पेपर में फियोनिक्स नाम का पोस्टर देखता है और सोच में पड़ जाता है। वो गैब्रियल के घर के पास एक प्रोस्टिट्यूट्स की जगह जाता है जहाँ काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते हैं। वहां जाकर विलियम जेन नाम की प्रोस्टिट्यूट से मिलता है जो उसे सीड्यूस करती है, लेकिन वो कहता है कि वो इसलिए यहाँ नहीं आया। वो वहां से उठकर जाने लगता है, लेकिन जेन उसे रोक कर एक छोटा सा बॉक्स देती है। विलियम वापस अपने ऑफिस जाता है। दरअसल फियोनिक्स एक ऐसा ग्रुप था जो एलियंस को खत्म करना चाहते थे। सभी को लगता है कि ये ग्रुप अब खत्म हो चुका है, लेकिन विलियम को अब भी यकीन है कि ये ग्रुप अब भी एग्जिस्ट करता है और ये सब न्यूज़पेपर में अपना लोगो प्रिंट करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसका कलीग उसे कहता है कि उसे उन्हें पकड़ने के लिए पहले एलियन से परमिशन लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम दो आदमियों को देखते हैं जो मिलकर बात करते हैं कि क्लोज्ड जोन्स को खत्म करने के लिए वो सोल्जर फील्ड को टारगेट कर सकते हैं और इस प्लान को आज ही एग्जीक्यूट करना होगा। ये आदमी बस में जाकर दूसरे आदमी को इस बारे में बताते हुए पूछता है कि क्या गैब्रियल ये काम कर पाएगा। इसके बाद हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में था। उसका काम सभी लोगों के फोन्स के डेटा को एलियंस के ऑर्डर्स पर डिलीट करना था। वो देखता है कि एक औरत मेमोरी कार्ड को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसे छुपा कर अपने पास रख लेती है। गैब्रियल जब खाना खा रहा था तो एक लड़की आकर उससे एक पेज में कोड लिखा हुआ देती है जिसे वो अपने जॉइंट के साथ लपेटकर कान के ऊपर रख के छुपा लेता है। जब कंपनी की छुट्टी होती है तो सभी लोग घर की तरफ निकल रहे थे कि तभी ड्रोन्स उस औरत को ट्रेस करते हैं जिसने मेमोरी कार्ड अपने पास रख ली थी। कुछ आदमी आकर उस औरत को पकड़ लेते हैं। इसी भीड़ में गैब्रियल भी था जिसे डर था कि कहीं वो लोग उस कोड के लिए उसे ना पकड़ ले। वो सभी उस औरत को पकड़कर एक कार में अपने साथ ले जाते हैं। समंदर के किनारे गैब्रियल अपने दोस्त से मिलता है, लेकिन ये दोनों किसी बात पर बहस करने लगते हैं और तब उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है।
गैब्रियल जब बाहर जाता है तो देखता है कि वहां विलियम अपनी कार लिए बैठा है। वो गैब्रियल को कार में बिठाता है। गैब्रियल जानता है कि वो उस पर नजर रखता है। विलियम उससे फियोनिक्स के ग्रुप के बारे में पूछता है, लेकिन गैब्रियल उस बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ हमें पता चलता है कि विलियम और गैब्रियल के पिता कभी एक साथ काम किया करते थे और गैब्रियल को जॉब भी विलियम की वजह से मिली है। गैब्रियल वहां से चला जाता है और एक आदमी से मिलता है जिसे वो कोड देना था, और ये आदमी उसे एक पत्ता पहना देता है जिससे उसका बग ट्रैक नहीं हो पाएगा, और उसे किडनैप करके विकर पार्क नाम की जगह ले जाता है और उसे एक बिल्डिंग में जाने को कहता है। गैब्रियल वहां जाता है तो उसे उसका बड़ा भाई रैफे मिलता है जो कि अब भी जिंदा है। गैब्रियल उसे देखकर काफी खुश होता है। रैफे ने अपने गर्दन से वो चिप भी निकाल दिया था जिससे एलियंस उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। गैब्रियल उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बोट का अरेंजमेंट किया जो कि उन्हें यहाँ से निकलने का प्लान है, लेकिन रैफी उससे वो कोड लेकर उसे प्लान बताता है। वो उसे कहता है कि एलियंस को खत्म करने का उनके पास एक और चांस है, लेकिन गैब्रियल चाहता है कि उसका भाई उसके साथ चले, लेकिन रैफे उसे समझाता है कि आने वाले कुछ सालों में एलियन सब कुछ खत्म कर देंगे और इससे पहले हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं। रैफे अपने भाई को पैसे देकर उससे इस शहर से भाग जाने को कहता है। गैब्रियल वहां से चला जाता है और रैफे एक कबूतर के पैर में वो कोड बांधकर उसे उड़ा देता है। वही विलियम एक वैन में बैठा गैब्रियल को ट्रैक कर लेता है। गैब्रियल घबराता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को साथ चलने को कहता है और बताता है कि उसका भाई कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। ये सब बातें विलियम सुन रहा था। गैब्रियल जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है, विलियम उसे चेस करने लगता है। गैब्रियल भागता हुआ एक रूम में पहुंच जाता है और सभी एलियन वाले ड्रोन्स उसका पीछा करते हुए उसके रूम को घेर लेते हैं। इन्हीं ड्रोन से विलियम को सिग्नल मिल रहे थे। गैब्रियल जल्दी से वो पत्ता पहन लेता है जिससे कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और विलियम उसे ट्रैक नहीं कर पाता। इसके बाद विलियम ऑफिस आकर रैफे के फेस से डेड का साइन हटा देता है। इधर रैफे का भेजा हुआ कबूतर एक आदमी को मिलता है जिसे वो अपने दूसरे पार्टनर को देता है। इस कोड को जब वो अपने कंप्यूटर में एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि उनका टारगेट मयार है जो कि आज रात सोल्जर फील्ड में आएगा। वो एक छोटे लड़के से कॉल करवा कर एक मैसेज भिजवाता है। अब फियोनिक्स के सभी मेंबर्स अलर्ट हो जाते हैं और इस ऑपरेशन को करने के लिए कुछ लोगों को अलग अलग तरीकों से मैसेज भेजा जाता है। ये तीनों लोग एक जगह पर मिलते जाते हैं जहां पर एक एक करके तीनों के अंदर से बग्स निकाले जाते हैं जिससे पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब हम चर्च का सीन देखते हैं जहां एक प्रीस्ट से मिलने रैफे आता है। वो दोनों एक औरत के घर जाते हैं जो उन्हें एक एलियन वाला बॉम्ब देती है। ये ऐसा बॉम्ब है जो कि इनविजिबल हो जाता है और इसे कोई सिक्योरिटी सेंसर भी ट्रैक नहीं कर सकता। रैफे उस बॉम्ब को अपने थाई पर लगा लेता है और सभी लोग प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होते हैं। सभी लोगों के पास एक पिल्स होती है कि अगर वो पकड़े जाए तो वो ऑन द स्पॉट सुसाइड कर ले। अब दो कार्स में बैठकर ये सभी लोग सोल्जर्स फील्ड की तरफ बढ़ते हैं जहां पर मयार ढेर सारी पब्लिक को लेक्चर दे रहा था। यही वो एलियन से भी मिलने वाला था और उन लोगों को वो बॉम्ब मयार पर लगाना होगा ताकि जब वो फटे तो एलियंस भी मर जाए। रफे स्टाफ के रूम में अंदर जाता है और बाकी सब गेस्ट बनकर अंदर जाते हैं। ग्राउंड में काफी बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था जिसे टीवी पर विलियम भी देखा रहा था। सभी लोगों को मयार दिख जाता है लेकिन वो उनकी तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ जाता है। इसी दौरान स्टेडियम के ऊपर एलियंस का बहुत बड़ा शिप आ जाता है। फियोनिक्स की टीम में से एक आदमी मयार के पास जाता है और उसी समय रफे मयार को टच करके बॉम्ब उसके कंधे पर रख देता है। इसके बाद रैफे और उसकी टीम वहां से बाहर जाने लगते हैं और मयार भी एलियंस की तरफ जा ही रहा था कि तभी ब्लास्ट हो जाता है और सभी सिग्नल्स टूट जाते हैं। विलियम भी टीवी के आगे से हट जाता है और बॉक्स ओपन करता है जिसमें उसे फोन मिलता है। स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी हो चुकी थी और सभी ड्रोन्स इन लोगों की तलाश करने लगे थे। उनकी टीम का एक आदमी वहीं मरा जाता है लेकिन बाकी दो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं रफे भी भागता हुआ पार्किंग में पहुंचता है जहां उस पर एलियन हमला करता है। वो एक कार के अंदर छुप जाता है और ये एलियन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी रफे की टीम का आदमी आकर उस पर हमला करके उसे मार देता है, लेकिन इसी में वो खुद भी जख्मी हो जाता है। वो रफे को लेकर वहां से चले जाते हैं और एलियन वहीं मरा रह जाता है। रफे और बाकी दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। उधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो भागता हुआ बोट के पास जाता है, लेकिन देखकर हैरान होता है कि उसकी बोट को कोई डिस्ट्रॉय कर चुका था। रैफे और बाकी दोनों को अब पुलिस से भी भागना था।
वो लोग अपने कपड़े चेंज कर रहे थे जब वो आदमी अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। एलियंस को लगता है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, इसलिए वो उन लोगों को पकड़ने के लिए दूसरे प्लेनेट से हंटर्स को बुला देते हैं। विलियम अपने सीनियर से मिलकर उसे बताता है कि वो फियोनिक्स के लीडर की तलाश कर सकते हैं, जिससे उन सभी लोगों को पकड़ा जा सकता है। सीनियर उसकी बात को इग्नोर करता है और क्लोज्ड जोन की तरफ जाता है, जिससे वो एलियंस से ब्लास्ट के बारे में बात करेगा। विलियम्स जाकर प्रोस्टिट्यूट जेन से मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। ये दोनों साथ में डांस करते हैं और जेन उसे कहती है कि उसे जाकर अपना काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पुलिस्ट फोर्स जाकर गैब्रियल और आसपास के सभी लोगों को पकड़ लेती है। वो उनसे रेफी के बारे में पूछते हैं। एक पुलिस वाला गैब्रियल के दोस्त को मारने लगता है तो गैब्रियल उस पर गन तान देता है। विलियम आकर गैब्रियल को थप्पड़ मारकर उसे पकड़ लेता है। रेफी की टीम का एक आदमी काफी घबराया हुआ था। वो आखिरी बार अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ रखा था, जो उससे रेफे के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ रेफे और बचे हुए दो लोग न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जाने वाली बसेस में बैठ जाते हैं कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और बस भी रुक जाती है। तभी वहां पुलिस के साथ हंटर्स आ जाते हैं, जो बस में बैठे लोगों के बीच रेफे और उसकी टीम को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक जब भागने की कोशिश करता है तो वो उसे मार गिराते हैं, लेकिन उनके पकड़ने से पहले वो पिल खाकर सुसाइड कर लेता है। अब सिर्फ रेफे और एक लड़की बचते हैं। ये लड़की जब भागने की कोशिश करते हैं तो हंटर उसे शूट करके भाप बना देता है। तभी रेफे भी उसे धक्का देकर भागने लगता है और जैसे ही हंटर उसे नीचे गिराता है तो रेफे पिल खाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही विलियम उसके हाथ पर शूट कर देता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हम अगले सीन में विलियम और गैब्रियल को एक रूम में देखते हैं। विलियम गैब्रियल से पूछताछ करने लगता है कि रेफे उससे कहां मिला था, क्योंकि वो उन सबके लीडर तक पहुंचना चाहता था। गैब्रियल उससे कुछ भी बताने से मना करता है तो वो लोग उसे पकड़ के एक जगह ले जाते हैं जहां उन्होंने रेफे को बांध रखा था और उसे टॉर्चर कर रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अब गैब्रियल को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसके भाई को मार देंगे। विलियम चाहता है कि वो उनका मैसेज फियोनिक्स के लीडर तक पहुंचाए ताकि वो लोग उसे पकड़ ले। वो गैब्रियल को एक रूम में बैठे ट्रैक कर रहे थे। गैब्रियल एक आदमी को जाकर एक पेपर देता है। ये लोग उसे वापस गैब्रियल के घर के पास ही ले आते हैं, जिससे गैब्रियल कंफ्यूज होता है कि उन सबका लीडर क्या उसके घर के पास ही रहता है। उसे वो लोग प्रोस्टिट्यूट जेन के घर भेज देते हैं। गैब्रियल जैसे उसके घर पहुंचता है, विलियम की टीम बिल्डिंग को घेर लेती है। गैब्रियल अंदर जाता है जहां जेन उसे देखकर उसका नाम लेती है। गैब्रियल हैरान होता है कि वो उसका नाम कैसे जानती है। तभी रूम में पुलिस फोर्स आकर उसे शूट करके मार देती है। अगली सुबह विलियम जेन के घर आकर आखिरी बार उसे देखता है। वहां उन्हें एक पेंटिंग दिखती है जिससे जुड़ी एक वायर उन्हें एक रूम में ले जाती है जहां उन्हें सभी एविडेंस मिल जाते हैं। इसके बाद एक मीटिंग होती है जहां एलियन विलियम से सवाल जवाब करके सारी जानकारी लेते हैं। विलियम उन्हें सभी एविडेंस के बारे में बताता है और साथ ही रेफे की पूरी टीम के बारे में भी बताता है, जिनमें एक हैकर है और एक मेडिकल स्टूडेंट भी था। हमें दिखाया जाता है कि इन सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया था। इसी दौरान एक टेप चलाई जाती है जिससे पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट का कमिश्नर भी जेन के पास जाता था और उसी समय जेन ने उससे काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाई जिससे उन्होंने ये ब्लास्ट करवाए। एलियंस ये टेप सुनकर काफी गुस्सा होता है और कमिश्नर भी वही बैठा था जो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफे, पुलिस कमिश्नर और बाकी सभी लोग जो एलियंस के खिलाफ थे, एलियंस उन सभी लोगों को एक शिप से कहीं दूर भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम गैब्रियल से मिलकर उससे बताता है कि रेफे अब भी जिंदा है, मगर गैब्रियल कहता है कि रेफे का प्लान आखिर फेल ही हुआ। विलियम उसे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लान का फेल होना भी प्लान का एक हिस्सा हो। वो उसे जेन वाले फोन से एक कार निकाल कर देता है, जिसके बाद गैब्रियल वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि विलियम का प्रमोशन हो चुका था और वो अब कमिश्नर बन चुका था। इधर गैब्रियल अपनी कंपनी जाकर उस मेमोरी कार्ड को ओपन करता है और उधर विलियम एलियन से पिछले सभी इंसिडेंट्स को डिस्कस करने के लिए क्लोज जोन में जाता है। गैब्रियल मेमोरी कार्ड में एक वीडियो देखता है जिसमें फियोनिक्स ग्रुप के ढेर सारे लोग थे जो फ्रीडम की बातें कर रहे थे और उन्हीं में गैब्रियल के पेरेंट्स भी थे। ये वीडियो गैब्रियल के बेबी शावर वाले दिन का था जहां विलियम और जेन भी थे। ये सब लोग बात कर रहे थे कि गैब्रियल जब बड़ा होगा तो फ्रीडम की लाइफ जिएगा। हमें ये पता चलता है कि विलियम और जेन हस्बैंड वाइफ थे और शुरू से ही इस मिशन में एक साथ जुड़े हुए थे। गैब्रियल ये सब देखकर हैरान होता है और दूसरी तरफ विलियम क्लोज जोन की तरफ जा रहा था और हम देखते हैं कि उसने अपने पास छुपाकर बहुत बड़ा एलियन वाला बॉम्ब रखा हुआ था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये विलियम के प्लान का पार्ट था कि वो पिछले प्लान को फेल करवा के एलियंस का भरोसा जीतकर उनसे मिलने क्लोज जोन में जाए ताकि वो उन सभी को वहीं खत्म कर सके।
पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शिकागो से सभी एलियंस खत्म हो चुके हैं और टाइम के साथ साथ एलियंस को अर्थ से भगाकर अर्थ फ्री हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।